सो हाउ इज द एकेडमिक कल्चर एट आरजीएनएल? लेकिन दिस इज स्टिल नॉट वेरी गुड इन आरजीएनएल। और स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह क्या क्या है आपके वहाँ पर? हाँ, डाइवर्सिटी बहुत है। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल। स्टूडेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है जो भी डिसीजन मेकिंग होती है कॉलेज? तो बट मैंने सुना है कि बॉयज हॉस्टल में रैगिंग भी होती है। एक ही फैकल्टी और वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। रिसर्च सेंटर्स काफी सारे हैं। इंट्रो वगैरह कैसे लेते होगे फिर आप लोग, मतलब जो भी जूनियर बैच आता है या फ्रेशर्स आते हैं? हाँ, मतलब बेसिकली जो हमारी आरजीएनएल में पार्टीज होती है ना, वो एक तो फ्रेशर्स पार्टी बहुत अच्छी होती है। आई गेस 50-60% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट्स हुए थे आरजीएनएल में। या सो आई एम अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स एंड आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटर। एक डीजे पार्टी होती है विच इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट आई हैव सीन इन आरजीएनएल। आई गेस इट इज 2,50,000 टोटल फीस फॉर अ ईयर। बट एक जो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है दैट आई पर्सनली फील इज देयर इज ऑफ प्लेसमेंट। तो अगर मैं एट द एंड आपसे एक चीज पूछूं कि अकॉर्डिंग टू यू आप अपने कॉलेज को आरजीएनएल कौन सी रैंक पे रखेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर एपिसोड ऑफ द मैड बैरिस्टर शो। मेरा नाम है माधव सोनी, ए के मैड बैरिस्टर, एंड आज के इस पॉडकास्ट में हमने श्रेया जिंदल से बात की हुई है विद रिस्पेक्ट टू आरजीएनएल पटियाला। श्रेया जिंदल एक थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट है पटियाला में, एंड इन्होंने पूरा ऑन ग्राउंड रियलिटी बताई हुई है आरजीएनएल पटियाला की, कि एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है, स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, वेदर इट इज़ रियली वर्दी टू ज्वाइन आरजीएनएल और नॉट। आपके जितने छोटे से छोटे डाउट है ना सारे क्लियर हो जाएंगे। सो पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आप क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिसेंटली ही पीडब्ल्यू ने क्लैट कोर्सेज लॉन्च किए हुए थे एंड अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, उनके अमेजिंग रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑल इंडिया रैंक 29 जो था उसने क्लैट की प्रिपरेशन पीडब्ल्यू के कोर्सेज से ही की थी, एंड इवन 27 प्लस जो है सिलेक्शंस दिए हैं पीडब्ल्यू ने टॉप 5 एनएलयूज में, एंड 300 प्लस सिलेक्शन हुए पूरे ओवरऑल जितने भी एनएलयूज हैं उनमें पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के। सो अगर आप भी क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू कैन बी अ गुड ऑप्शन। इन्होंने अभी रिसेंटली 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, क्लैट अचीवर्स बैच एंड क्लैट अचीवर्स प्रो बैच। क्लैट अचीवर्स बैच में आपको टॉप क्लास टीचर से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इवन जो भी लेक्चर्स रहेगा उनकी रिकॉर्डिंग 24/7 अवेलेबल रहेगी। फर्दर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिसके सोल्यूशन भी बाद में प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड अगर आप क्लैट अचीवर्स प्रो बैच लेते हैं तो आपको ये बेसिक सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, उसके अलावा जितने भी अपकमिंग क्लैट से रिलेटेड बैचेस होंगे उनमें सबको आपको एक्सेस मिलेगा। सो ऑटोमेटिकली जो 9 अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एनएलयू टॉपर से मेंटरशिप मिलेगी, उसके अलावा 30 प्लस स्टडी मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड 10,000 प्लस क्वेश्चंस। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्रो बैच आपको 12,999 में मिल जाएगा एंड बेसिक बैच आपको सिर्फ 7,999 मिल जाएगा। एंड अगर आपको एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज मैड 500। उसके अलावा आई विल सजेस्ट कि आप जो है प्रो वाला बैच ही परचेज कर लें, वन टाइम परचेज आएगी आपको, बाद में कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। बाकी वीडियो के स्टार्ट करते हैं एंड आप एंड तक देखिएगा, जितने भी छोटे से छोटा आपका डाउट होगा ना सब क्लियर हो जाएगा। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं फर्स्ट थर्ड ईयर की पढ़ाई थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है थर्ड ईयर में, काफी टफ हो जाता है। फर्स्ट ईयर में जब आप आती हो तो एकदम लाइफ चिल होती है, हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रही होती हो। सो फर्स्टली टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। या सो आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट आरजीएनएल, एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट माय क्लैट आल्सो हैपेंड इन आरजीएनएल ओनली, सो द सेंटर वाज आरजीएनएल, क्योंकि आई एम फ्रॉम पटियाला and then I got allotted RGNUL. So I'm third year right now. Even most of the NLUs में आजकल CLAT के जो exam हो रहे हैं तो काफी excited होते हैं CLAT aspirants कि at least कम से कम campus घूमने को मिलेगा। तो मैं further कोई most of the places का campus का center campus ही बन जाते हैं वहाँ का जो होता है। Yes yes. Even NLUs में जब भी आप admission लेते हो तो campus देखने के लिए काफी excited होते हो। So my further question is that how's your campus? What about things at RGNLU? Okay, so we came to the campus after 1 year, after our first semester and half of the second semester. That was when our campus opened.
मतलब कोविड वाला बैच कोविड एंड लेकिन जो एक चीज अच्छी हुई कि वी एटलीस्ट केम आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर. जो थर्ड ईयर था वो लोग 2 साल से कोविड में ही ले रहे थे अपना कॉलेज, तो उनके लिए काफी बुरी चीज हुई है. तो कैंपस इज वेरी गुड, देयर इज सीनिक ब्यूटी, आसपास सारे खेत हुए थे पंजाब एज यू नो. एंड बैच। या एंड क्लासरूम्स वगैरह कैसे हैं, लाइब्रेरी? लाइब्रेरी इज ऑल्सो अमेजिंग. देन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर हॉल्स एंड क्लासेस. तो हॉल्स होते हैं जिनमें स्टेप्स वाली क्लासेस होती हैं एंड क्लासेस जिनमें नॉर्मल बेंचेस होते हैं. तो अभी तक तो हमने पहले 2 साल तो हॉल में लगाई हैं क्लासेस अपनी सारी, लेकिन अब हमें अनफॉर्चुनेटली क्लास मिल गई है जिसमें वो स्टेप्स वाली क्लासेस नहीं है. तो या क्लासरूम्स आर ऑल्सो गुड, वेरी गुड. सो मतलब आपका जो लोकेशन है कैंपस की, वो मतलब मार्केट से काफी दूर है, या जो भी सिटी सेंटर है, या फिर पास में ही कहीं? मार्केट से बहुत दूर है ये. मतलब इट टेक्स अस टू टेक एन ऑटो ऑफ 400 टू गो टू द सिटी. ओ एटलीस्ट हाँ, तो कोई जाता ही डीएनए नहीं उसके पास बाहर तो पहुंचने फिर. थे ना, कि उन्हें मतलब काफी सिटी सेंटर से बहुत ज्यादा पास में हमारा कैंपस। अभी टेम्परेरी कैंपस है, बट अच्छा, जो परमानेंट कैंपस अभी कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो वो भी आउट में है, मतलब काफी। हाँ सिटी में होना चाहिए कैंपस, क्योंकि अगर सिटी से दूर होता है तो बहुत ही सेक्लूडेड सा रहता है सब कुछ. होती हाँ मैं है तो क्योंकि पटियाला से हूँ तो आई गो होम ऑन वीकेंड्स मोस्ट प्रोबेबली, तो तो फिर भी वो बेटर रहता है. लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बच्चे जो सीधा 6 6 महीने के बाद अपने घर ही जाते हैं एंड दे हार्डली गो आउट ऑफ द कैंपस. और स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह क्या क्या है आपके वहां पर? ऑलमोस्ट सारे ही होंगे ऊपर। स्पोर्ट्स ग्राउंड आई एम नॉट टू मच इनटू स्पोर्ट्स, बट जो मैंने देखा है वो है कि बास्केटबॉल ग्राउंड है बढ़िया, उसके अलावा वॉलीबॉल भी ग्राउंड है, देन फुटबॉल ग्राउंड बहुत अच्छा है आरजी एनुअल में. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ बैडमिंटन कोर्ट. या और कुछ बेसबॉल वगैरह या टेनिस वगैरह जो होता है? बेसबॉल टेनिस का भी है, टेनिस का तो हमारे हॉस्टल्स में भी है, लाइक ईच हॉस्टल हैज अ टेनिस कोर्ट. बैडमिंटन कोर्ट भी हैं हॉस्टल्स में, बट बेसबॉल आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट इफ वी हैव और नॉट. अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं, तो टोटल आपके वहाँ पे कैंपस में कितने हॉस्टल हैं, और सीनियर या जूनियर का कुछ डिवीजन बाइफरकेशन टाइप का है, कि सीनियर अलग हॉस्टल में रहेंगे और जूनियर्स अलग हॉस्टल में रहेंगे? हाँ, सो वी हैव टोटल 11 हॉस्टल्स, 5 ऑफ गर्ल्स एंड 6 ऑफ बॉयज. और उसमें ऐसा भी होता है कि जनरली 1 ईयर के स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में रह रहे होते हैं, बट देयर इज समटाइम्स ऐसा कि कुछ हॉस्टल में कुछ रूम्स में कुछ ईयर के, और मतलब मैक्सिमम उसी ईयर के कुछ लोग किसी और ईयर के, क्योंकि रूम्स खाली होते हैं तो टू फिल द वैकेंसीज ऐसे. वैसे दे ट्राई कि एक हॉस्टल में एक ही कॉलेज एक ही ईयर के स्टूडेंट्स हो. रैगिंग वगैरह को अवॉइड करने के लिए या इंट्रो वगैरह कैसे रैगिंग तो नहीं होती क्या? इंट्रो वगैरह कैसे लेते होगे फिर आप लोग, मतलब जो भी जूनियर बैच आता है या फ्रेशर्स आते हैं? सो इंट्रैक्शन तो बहुत कम हो पाता होगा ऐसे। हाँ नहीं, लाइक इन आर हॉस्टल द वन इन आई एम स्टेइंग, तो उसमें मेरे साथ के रूम में जूनियर्स हैं, उसके सामने वाले में जूनियर्स हैं, देन हाँ तो वैसे जूनियर्स होते हैं बट हार्डली इंटरेक्शन होता है, कोई करता नहीं इतना इंटरेक्ट. इंटरेक्शन गर्ल्स हॉस्टल भी नहीं करता, आई डोंट नो अबाउट बॉयज हॉस्टल, बट मैंने सुना है कि बॉयज हॉस्टल में रैगिंग भी होती है. अच्छा या र्यूमर्स पे विश्वास कितना कर सकते हैं अब? नोबडी नो। नहीं, रूमर्स तो नहीं है ये डेफिनेटली, अगर ये बात है उसमें होती है थोड़ी बहुत, तो मतलब गर्ल्स हॉस्टल में भी होती है, बट आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड एनी रैगिंग. थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए ये इंट्रो वगैरह तो लेना ही पड़ता है, एटलीस्ट हाँ कंफर्टेबल पॉजिटिव हो इंटरेक्शन, जाए। हाँ, पॉजिटिव इंटरेक्शन एज सेइंग आरजी एनुअल. तो आपके जो हॉस्टल्स हैं, उनके रूम में मतलब डबल ऑक्यूपेंसी है या फिर सिंगल सिंगल रूम सबको मिले हुए हैं? तो फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स वी हैव सिंगल ऑक्यूपेंसी, उसके बाद हम नहीं, फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स वी हैव डबल ऑक्यूपेंसी, उसके बाद हमें सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल जाते हैं रूम्स. बट ग्रेट। इस बार कुछ सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स खाली थे क्योंकि 4th ईयर में आई गेस कम स्टूडेंट कम गर्ल्स थी, तो फिर वो उन्होंने 3rd ईयर्स के लिए भी ओपन कर दिए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दे अलॉट द सिंगल रूम्स. ओके ओके। सो हाउ इज द एकेडमिक कल्चर एट आरजीएनएलयू?
रिसर्च सेंटर्स वगैरह होंगे और जो भी प्रोजेक्ट्स आपके चलते, तो टेल अस समथिंग अबाउट दिस। रिसर्च सेंटर्स काफी सारे हैं, आई गेस 11 और 12 रिसर्च सेंटर्स हैं, एंड उसमें होता भी अच्छा है. लाइक दे पब्लिश वेरी गुड आर्टिकल्स, बहुत अच्छे आर्टिकल्स, सबमिशंस भी अच्छी होती हैं. रिसर्च सेंटर्स हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एकेडमिक कल्चर आई विल से इज गुड. थर्ड ईयर में तो स्पेशली वी हैव वेरी गुड प्रोफेसर्स. सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो सब्जेक्ट्स ही होते नहीं है लॉ के सारे, हमें हमारे टाइम पे तो सब बीए वाले सब्जेक्ट्स थे. लेकिन अभी अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी काफी लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं. लाइक दे हैव आईपीसी एंड सीपीसी इन देयर सेकेंड ईयर इटसेल्फ. तो या आई गेस दे विल बी आल्सो हैविंग गुड प्रोफेसर्स, बट अभी का मुझे पता नहीं. बट इन थर्ड ईयर वी आर हैविंग एब्सोल्युटली वंडरफुल प्रोफेसर्स. ओके, तो फैकल्टीज मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ठीक है, काफी अच्छी है, इवन बेटर। हाँ, कुछ कुछ तो काफी अच्छी होती है. मतलब हमारा मुश्किल हो जाता है उस क्लास को अटेंड करना, इतनी अच्छी होती है कुछ फैकल्टीज. तो लाइक दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. मैंने कुछ कॉलेजेस में देखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर फैकल्टी होती है, वो एक ही सब्जेक्ट जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन होता है वो सिर्फ पढ़ाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड किसी किसी कॉलेजेस में देखा हुआ है मैंने ये चीज कि एक ही फैकल्टी है और वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। सो आपके वहां पे कैसा है इन दोनों सिचुएशंस में से? तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे हैं कि उनकी जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है उसी को वो लोग पढ़ाते हैं. बट ऐसा भी मैंने सुना है कि सम टीचर्स आर गिवन द सब्जेक्ट्स टू टीच व्हिच दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमारे हिस्ट्री टीचर ने दिया था हमें इन सेकंड ईयर आई बिलीव, कि व्हेन शी जॉइंड आरजीएनयू इन 2008 और 2009, शी वाज गिवन टू टीच सम 5 6 सब्जेक्ट्स एंड शी हैज मेजर्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, दैट इज हिस्ट्री. तो या बट अभी मुझे लगता है ऐसा कम होता है क्योंकि नाउ देयर इज फैकल्टी, देयर आर नो वैकेंसीज इन फैकल्टीज. तो या ग्रेट ग्रेट। गेस्ट लेक्चर्स वगैरह भी रेगुलरली होपफुली होते होंगे, तो कितने इंटरवल्स गेस्ट होते हैं लेक्चर्स, या प्रैक्टिकल्स. सॉरी, कितने इंटरवल्स वगैरह में होते हैं, या कुछ प्री डिसाइडेड रहता है कि एक सेमेस्टर में इतने गेस्ट लेक्चर्स हो सकते हैं एक बैच के लिए? नहीं तो ऐसा नहीं होता, कुछ प्री डिसाइडेड नहीं रहता. बट देयर इज अ प्रैक्टिकम सीरीज दैट कीप्स ऑन गोइंग, गुड दैट कीप्स गोइंग ऑन. तो उसमें क्या होता है कि समटाइम्स पर्सन कम्स, पीपल कम वीकली आल्सो, लाइक दे कम एवरी संडे. या फिर कभी कभी ऑनलाइन लेक्चर्स तो होते ही रहते हैं हमारे, ऑनलाइन लेक्चर्स जो कुछ कुछ लोग आके पढ़ाते रहते हैं, कुछ भी कोर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल उसके नुआंसेस, तो ये होता है. या फिर उसके अलावा जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं हमारे, तो वो अपना अपना इंडिविजुअल पार्टनर्स या फिर एसोसिएट्स, सीनियर एसोसिएट्स, इनको बुला के द लेक्चर्स कीप ऑन हैपनिंग. ग्रेट ग्रेट। स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी वगैरह कैसी है? ऑल्दो काफी नॉर्थ में है, इवन नॉर्दर्न पार्ट में ही स्टेब्लिश है आपका कॉलेज, बट स्टिल डाइवर्सिटी होगी, ये मेरा अजम्पशन है। हाँ, डाइवर्सिटी बहुत है. वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स. कुछ कुछ को मतलब मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, यू विल हैव अ फेयर चंक ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. फिर साउथ में भी हैं, साउथ से कुछ हैं बच्चे, 2 3 बच्चे साउथ से हैं हमारे. देन बॉम्बे, पुणे, इस एरिया से काफी बच्चे होते हैं. इन आर बैच मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम राजस्थान. सरप्राइजिंगली फ्रॉम पटियाला दे आर ओनली 3 और 4 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इन मी. योर बैच? या इन माय बैच फ्रॉम पटियाला ओनली 3 और 4 स्टूडेंट्स आर देयर, ओनली आई गेस 4 3? आर देयर. या हो सकता है किसी रीजन से। ओके, तो हम्म. स्टूडेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है जो भी डिसीजन मेकिंग होती है कॉलेज की? और लाइक वी हैव एसबीए एंड डीएनएलयू जो कि एक एडमिन और स्टूडेंट्स के बीच में ब्रिज का काम करती है, सो ऐसी कोई बॉडी है आपके वहां पे? मुझे मुझे पता नहीं है वैसे कि ऐसी कोई बॉडी है या नहीं, बट एक है स्टूडेंट अफेयर्स की, जिसमें हाँ जिस जो कुछ भी कंसर्न्स होते हैं पूरे बैच के, तो वो बैच के जो 2 लोग होते हैं वो लोग प्रेजेंट कर सीआर देते हैं उस कमिटी को. सीआर होते या होंगे? और नहीं, नॉट क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, बट वो कुछ और 2 लोग हैं. आई डोंट नो दैट व्हाट दे आर कॉल्ड, बट वो लोग फिर वो उस कमिटी को दे देते हैं एंड देन द इश्यूज आर हैंडल्ड.
लेकिन दिस इज स्टिल नॉट वेरी गुड इन आरजीएनयूएल कि जो स्टूडेंट्स कंसर्न्स होते हैं, लाइक इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, इन 2019 बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे आरजीएनयूएल में. I'm not exactly, but शायद हुआ था आरजीएनयूएल में प्रोटेस्ट 2019 में. हाँ, काफी प्रोटेस्ट्स हुए ये वगैरह, ये स्टूडेंट बार एसोसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है एज ऑफ नाउ. उस टाइम ही था, उसके बाद इवेंचुअली बनना स्टार्ट हुआ है तो, बट इतना एक्टिव नहीं है आई गेस. तो जो भी आपकी डिमांड्स वगैरह होती हैं, सो इंडिविजुअली आप एस्केलेट करते हैं आगे, या फिर कोई एक नहीं, इंडिविजुअली नहीं ना, मैंने नहीं, वो जो दो बच्चे होते हैं क्लास के, टू हाँ प्लीज प्लीज. स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच बैच आर असाइंड द ड्यूटी टू टेक द इश्यूज ऑफ द होल बैच टू द डीआर और वीसी जो भी अवेलेबल हो, तो ऐसा. बट कॉलेज लेवल पे आई डोंट थिंक देयर इज अ स्टूडेंट कमिटी, और अगर होएगी देन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. एंड हॉस्टल्स वगैरह के अगर कोई इश्यू होते हैं तो फिर उनको कैसे आगे एस्केलेट किया जाता है? वो तो हम लोग ही चले जाते हैं, नीचे गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं, देन कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाना हो, कुछ ऐसी छोटी छोटी दिक्कत, वो यू कैन गो ऑन इंडिविजुअल ओके, सो हाउ मेनी कमिटीज एट आरजीएनएल, जो अगर जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, या जो भी अफेयर्स चल रहे हैं कॉलेज में, सो स्पोर्ट्स वगैरह हो गए या फिर कल्चरल इवेंट्स होने वाले हैं, सो टोटल कितनी कमिटीज है? टोटल वी हैव. यार ऐसे टोटल तो नहीं पता कि कितनी कमिटीज हैं, बट लाइक सिक्स सेवन तो आई, सिक्स याद है सेवन एटलीस्ट आई, 6-7. सिक्स. या तो उनमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होगा, तो कैसे क्या हम एंटर कर सकते हैं उन कमिटीज में? तो द कमिटीज ओपन देयर एप्लीकेशंस एवरी ईयर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, और उसमें आप अप्लाई करो, देन आफ्टर योर सीवी एंड योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस गेट सिलेक्टेड, उसके बाद देयर इज यूजुअली एन इंटरव्यू प्रोसेस, बट वो ज्यादा कमिटीज का नहीं होता. जो थोड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, जैसे सेंटर फॉर बिजनेस एंड टैक्सेशन लॉज हो गया, उसमें दे टेक एन इंटरव्यू, देन इंटर्नशिप सेल में दे ऑब्वियसली टेक एन इंटरव्यू, तो ऐसी ऐसी चीजों में दे टेक एन इंटरव्यू. अदरवाइज जो वो हो गई अपनी डांस एंड म्यूजिक कमिटी, तो इन इनमें इंटरव्यूज यूजली नहीं होते, बट लास्ट ईयर इवन इन दीज कमिटीज इंटरव्यूज हैपेंड. एंड एक कमिटी में यूजुअली कितने मेंबर्स होते हैं, स्टूडेंट मेंबर्स? 15 to 20 फ्रॉम ऑल अक्रॉस, फ्रॉम ऑल द और बैचेस, फ्रॉम ऑल दम बट इन लीगल एड, या बट इन लीगल एड क्लिनिक देयर आर अप्रोक्सीमेटली 80 members. तो लीगल एड काफी या बर्डन होता है उनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी. इवन इन डीएनएलयू वी हैव 60 मेंबर आएगा एज ऑफ नाउ, बट हमने उसको रेस्ट्रिक्ट करके हाँ, 20 तो कर दिया, सो दैट एक कंपटीशन टाइप का रहे उसमें एंटर करने का, अदरवाइज काफी हाँ लोग. इस बार, या इस बार दे हैव रिड्यूस्ड द मेंबर्स वेरी मच, एंड तो आई इंटर्नशिप गेस 40 होंगे. सेल होगा आपके वहां पे, सो इंटर्नशिप असिस्टेंट वगैरह कैसे दिया जाता है, या आप खुद से ही इंटर्नशिप पे कॉल करते हैं? या सो आई एम अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप सेल, आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटर. तो इंटर्नशिप्स बेसिकली आई एम इन द डिजिटल टीम, तो जो कोर टीम होती है उसमें व्हाट दे डू इज दैट दे अप्रोच कंपनीज, देयर पार्टनर्स, एसोसिएट्स, या फिर वी ट्राई टू रीच द एलुमनाई बेस ऑफ आरजीएनयूएल हु आर रिक्रूटेड इन दोस पर्टिकुलर कंपनीज, देन वी आस्क फॉर द इंटर्नशिप्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आरजीएनयूएल, और ऐसे ऐसे करके इंटर्नशिप्स अच्छी, वी गेट द स्टूडेंट्स गुड इंटर्नशिप्स एट आरजीएनयूएल, पर्सनल टू विच वो पीपीओस ले लें, अपनी जुडिशरी कर लें, खुद अपना कुछ भी, दे कैन प्रेफर टू डू व्हाट एवर दे वांट. एंड आई गेस सेम गोज विद द प्लेसमेंट्स, ऐसे ही अप्रोच करते होंगे आप प्लेसमेंट्स वगैरह जो भी हो. सो या प्लेस सो लाइक एवरी अदर एनएलयू वी मेक अ ब्रोशर एंड वी सेंड इट टू रिक्रूटर्स टू कम ऑन कैंपस एंड रिक्रूट द स्टूडेंट्स ऑफ आवर जेएनयू. अभी तक का क्या परसेंटेज रहा है, या रेशियो कह सकते हैं हम कि ओके, सो आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस क्योंकि आई जॉइन द इंटर्नशिप सेल रिसेंटली, लेकिन आई गेस 50-60% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ देम प्रेफर गोइंग फॉर जुडिशरी. आरजीएनएल में जुडिशरी का बहुत कल्चर है, जुडिशरी, यूपीएससी, देन दैट जैग, जज एडवोकेट जनरल, इसका भी काफी कल्चर है. स्टूडेंट्स क्लियर इट इन देयर फिफ्थ ईयर इटसेल्फ द एग्जाम.
अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल गो फॉर इंडिविजुअल प्रैक्टिस. लाइक वी हैव अ सीनियर हु हैज हिज प्रैक्टिस एस्टैब्लिश्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. तो ऐसा ऐसा होता है काफी काफी स्टूडेंट्स प्लस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर LSE लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स टू परस्यू देयर हायर स्टडीज. ओके सो स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह भी होते होंगे काफी. ऑल्दो जीलस के बारे में काफी सुना हुआ है, इंटर कॉलेज इवेंट है आपका, बट इंटर कॉलेज इवेंट्स भी होते होंगे स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह. हाँ आरजी एनुअल का जो स्पोर्ट्स इवेंट स्पोर्ट्स फेस्ट रादर आईड से होता है इट इज जीलस. तो इस बार फोर्थ जीलस था एंड इट वाज अमेजिंग. लाइक द 3 days वर सीरियसली अमेजिंग. तो स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द एनएलयूज फ्रॉम द एनएलयूज व्हिच पार्टिसिपेटेड इन अदर कॉलेजेस कम ऑन कैंपस. दे प्ले एंड फिर एक साइड पे पार्टी चलती रहती है, एक साइड पे गेम्स हो रही होती हैं एंड वाइल जब खत्म होने वाली होती हैं देन ऑन द वन साइड देयर इज अ पार्टी जहाँ पे डांस फ्लोर होता है, कोई भी आके डांस कर सकता है वहां पे. तो या जीलस इज अमेजिंग, उसमें सारी स्पोर्ट्स होते हैं. इनफैक्ट आई हैव अ व्लॉग ऑफ जीलस ऑन माय चैनल. तो काफी हैपनिंग रहता है कैंपस उस टाइम पे, तो इवन बिल्कुल फेस्टिवल की तरह रहता होगा. ग्रेट. एंड कल्चरल इवेंट्स वगैरह के मैं कुछ बताना चाहेंगे आप, क्योंकि जीलस के बारे में तो काफी सुना हुआ बट मैंने कल्चरल इवेंट्स के बारे में नहीं सुना हुआ. अगर कुछ होता है ऐसा फेस्ट वगैरह कल्चरल फेस्ट कल्चरल इवेंट. हाँ मतलब बेसिकली जो हमारी आरजीएनएल में पार्टीज होती है ना, वो एक तो फ्रेशर्स पार्टी बहुत अच्छी होती है. लाइक इट इज ऑफ 4 days एंड 4 days में क्या होता है कि हमारी क्लासेस तो होती हैं, वी हैव टू गो फॉर क्लासेस इन द मॉर्निंग एंड देन वी गेट रेडी इन 2 hours 1 hour एंड देन वी गो लीव फॉर द पार्टी. तो उसमें कुछ परफॉर्मेंसेज होती हैं जिसके बाद में एक डीजे पार्टी होती है विच इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट आई हैव सीन इन आरजीएनएल. और बहुत ही अच्छी होती है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी नाइट पार्टी किसी एनएलयू में होती होगी. इट इज अमेजिंग. ठीक है तो सबसे अच्छी फ्रेशर्स पार्टी होती है, उसके बाद फेयरवेल भी इक्वली गुड होती है हमारी. फेयरवेल आई हैव बीन टू वन फेयरवेल ऑफ वन बैच इन आर जेनुअल. या तो आई विल से फ्रेशर्स इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस इन कॉलेज. सो वी कैन से लाइक कि काफी अच्छा पार्टी कल्चर है आरजीएनएलयू में. पार्टी कल्चर अच्छा है यार, कोर पार्टी कल्चर होता है ना जो नाइट पार्टी वाला, दैट इज वेरी गुड इन आरजीएनएल. ग्रेट ग्रेट. एंड फी वगैरह कितनी है, मतलब एकेडमिक फी, मैथ्स फी, हॉस्टल फी, ये सब अलग अलग होती है, पे करनी होती है या कलेक्टिवली आप एक ही अमाउंट सर्टेन जो रहता है वो पे करते हैं? एंड अगर करते तो कितनी है टोटल फी? नहीं नहीं वी पेड सेपरेटली. तो टोटल फॉर अ ईयर इट इज आई गेस इट इज 250,000 टोटल फीस फॉर अ ईयर, जिसमें से हमारी होती है या इट इंक्लूड्स एवरी फी, मैस फी, हॉस्टल फी, ट्यूशन फी, एवरीथिंग. तो इसमें से 30,000 इज द हॉस्टल फी फॉर अ ईयर, सो 15 फॉर 15 पर सेमेस्टर एंड वी हैव 48,000 मैस फी फॉर अ ईयर फॉर 1 year. सो 24,000 पर सेमेस्टर मैस फी. एंड इफ एनीवन वांट्स टू ऑप्ट आउट फ्रॉम मैस, सो ऐसा कुछ नो होता है? No, you don't have an option to eat other than mess anywhere. Like, आप खा सकते हो कहीं भी, but you'll have to pay the mess fee. Great, great. So, अगर मैं at the end आपसे एक चीज पूछूं कि according to you, आप अपने कॉलेज को RGNLU कौन सी रैंक पे रखेंगे आपके evaluation के हिसाब से? So, क्या रैंक हो सकती है वो? एक rough idea लग जाए so that students को. Okay. तो आरजीएनएल में सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज वेरी बेस्ट. बट एक जो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है दैट आई पर्सनली फील इज देयर इज ऑफ प्लेसमेंट्स. तो प्लेसमेंट्स बहुत बेटर हो सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, बट रिक्रूटर्स को कैंपस पे लाना इज अ टास्क. इट इज सीरियसली अ टास्क एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स आए, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट्स हो जाए तो इट इज द बेस्ट. पीपीओ लेना इज स्टिल डिफिकल्ट, ऑल्दो आरजीएनएल में ज्यादा पीपीओस ही होते हैं, पीपीओस आर मोर देन कैंपस प्लेसमेंट्स. हाँ तो प्लेसमेंट्स के कारण थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी, आई विल रेट इट 7.5 out of 10. एंड मेरा एक क्वेश्चन और है कि आपका यूट्यूब चैनल है, यू आल्सो रन अ यूट्यूब चैनल,
सो आपने स्टार्ट कैसे किया था, कहाँ से वो उस चीज का मोटिवेशन मिला था, कि या आइडिया कहाँ से आया इस चीज का कि चलो वीडियोस बनाते हैं? या सो आई यूज टू मेक वीडियोस फ्रॉम वेरी लॉन्ग बैक. लाइक मैंने 9th 8th 9th से मैं वीडियोस बनाती थी, बट आई डिडंट यूज टू पोस्ट इट एनीवेयर. तो मैं बना के उसको अपने पीसी में, पीसी था मेरे पास उस टाइम पे, एंड आई यूज टू कीप ऑन स्टोरिंग देम इन द पीसी विदाउट एडिटिंग एनीथिंग. तो सिर्फ क्लिप्स क्लिप्स होती थी वो. एंड देन इन 9th क्लास आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो ऑफ अ ड्रॉइंग. आई डिडंट पुट माई फेस देन. और उसके बाद फिर 11th 12th आ गया. आई टोटली लेफ्ट द फोन. आई डिडंट हैव इवन अ फोन इन 11th एंड 12th. देन आई बॉट अ न्यू फोन इन कॉलेज, एंड तब फिर मैंने वीडियोस बनानी शुरू की कैंपस की एंड जो पहले ऑल. अभी तक आप वीडियोस बनाते रहे होते थे, वो किस तरह की होती थी? रैंडम शिट एनीथिंग. आई यूज टू रिकॉर्ड एनीथिंग. तो ये कैसे आइडिया आया, मतलब कि चलो कॉलेज का बनाते हैं इस तरीके से, या कोई एक हाँ, प्लस इंस्पिरेशन रही? या प्लस व्हेन आई वाज लाइक जब क्लैट हो चुका था एंड अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ था आरजी एनुअल में, तो क्या था कि आई सर्च फॉर सम वीडियोस ऑफ आरजी एनुअल ऑन यूट्यूब. तो कुछ उस पे वो आई थी, व्हाट डू वी कॉल दैट, फ्लैश मॉब्स. फ्लैश मॉब की कुछ वीडियोस आई थी व्हिच वर अमेजिंग. आरजी एनुअल जो फ्लैश मॉब होता है. एंड बट आई डिडंट गेट टू वॉच द हाउ क्लासेस और हॉल्स लुक लाइक इन आर जी एनुअल और ऐसा कुछ. तो वो भी एक पर्पज था कि थोड़ा कैंपस वगैरह यूट्यूब पे जाए. ग्रेट, आई हैव वॉच्ड फ्यू वीडियोस ऑफ योर्स, नाइस। थैंक अपार्ट यू सो फ्रॉम मच. दिस, अगर आप कुछ और मेंशन करना चाहें अबाउट आरजी एनएलयू, जो शायद नहीं, आई गेस मैं वी हैव कवर्ड. सॉरी, जो चीज आई थिंक मैंने मिस कर दी हो, वो अगर आप बताना चाहते हैं कुछ। आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स. कुछ ऐसा पर्टिकुलर में तो नहीं है कि जो अभी हो मेरे दिमाग में एंड वी हैव मिस्ड इट. चलो ग्रेट, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। होपफुली आपके ये ओपिनियन से और ऑन ग्राउंड रियलिटी जो आपने बताई है उससे। या वन डिस्क्लेमर प्लीज, दैट दीज आर माय पर्सनल ओपिनियंस ऑन प्लेसमेंट्स ऑन स्पोर्ट्स एवरीथिंग. दूसरी बात कि मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा नहीं हूँ, तो ये भी हो सकता है कि दैट बेसबॉल थिंग माइट बी देयर ऑन कैंपस. तो ये कुछ कुछ चीजें हो सकती है जो मैंने गलत बोल दी हूँ एंड दे माइट बी देयर ऑन जी कैंपस. स्पोर्ट्स ऑलरेडी काफी फेमस है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच.